निकल कर आ रही है होमगार्ड जवानों के लिए कि होमगार्ड के लिए खुशखबरी, सरकारी निजी विभागों में मिलेगा रोजगार। तो दोस्तों पूरी खबर जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। दोस्तों आपको बता दें बड़ी खबर निकल कर आ रही है दोस्तों कि 30,000 होमगार्डों के लिए खुशखबरी है। राज्य के गृह विभाग ने सभी संभागीय आयुक्तों, विभागों में प्रमुखों एवं कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं कि रिक्त पदों के विरुद्ध होमगार्ड को अस्थायी रूप से नियोजित किया जाए। खास बात यह कि होमगार्ड को नियोजित करने के लिए किसी टेंडर की जरूरत नहीं होगी। होमगार्ड स्वयंसेवकों को रोजगार दिलाने के लिए कवायद की गई। प्रदेश में करीब 30,000 होमगार्ड स्वयंसेवक हैं जिनमें महज 25 से 3% को ही साल भर का रोजगार मिल पाता है। होमगार्ड बरसों से लगातार साल भर रोजगार उपलब्ध कराने की मांग करते आ रहे हैं। इसके लिए उन्हें आश्वासन भी दे दिया जाता है। पिछली सरकार ने सरकारी विभागों में सुरक्षा के लिए होमगार्डों को नियोजन के नियम भी बनाए थे। इसके अलावा कई प्रयास किए लेकिन कोई परिणाम नहीं निकला। अब प्रमुख सचिव ने सोमवार को सरकारी लोक उपक्रमों के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक में सभी संभागीय आयुक्तों एवं जिला कलेक्टर को होमगार्ड स्वयंसेवकों का अस्थायी नियोजन करने के संबंध में आदेश जारी किए हैं। सुरक्षा बलों के लिए नियोजन करे जाएंगे होमगार्ड स्वयंसेवक। हाँ जी दोस्तों, प्रमुखों को होमगार्ड स्वयंसेवकों को अधिक से अधिक नियोजन के अवसर उपलब्ध कराने के लिए अनुरोध किया गया है। समस्त राजकीय विभाग, निजी क्षेत्र एवं मैट्रिक्स प्रणाली में रिक्त पदों में सामायिक एवं अस्थायी रूप से भरने के लिए जहाँ गृह रक्षा एवं स्वयंसेवकों का कार्य करवाया जाता है। दोस्तों मानदेय क्या रहेगा आपको बता दें, होमगार्ड स्वयंसेवकों के लिए प्रतिदिन का मानदेय 590 रुपये, ड्यूटी भत्ता 20 रुपये, परिवहन भत्ते की दर उपलब्ध है। उनकी उपलब्धता के लिए उन जिलों को जिला कमांडेंट, गृह रक्षा, प्रशिक्षण केंद्र समर्पित स्थापित कर योग्य और प्रशिक्षित होमगार्डों के लिए नियमानुसार एवं निर्धारित प्रक्रिया अनुसार वित्त विभाग से सहमति प्रदान कर गृह रक्षा एवं स्वयंसेवकों को नियोजित किया जाएगा। नियमों के बिना टेंडर लेने का प्रावधान, विभाग ने अधिसूचना के अनुसार राजस्थान लोक उपादन में पारदर्शिता नियम 2003 के नियम 32 के साथ राजस्थान के लोक उपादन पारदर्शिता नियम में सुरक्षा व्यवस्था में राजस्थान होमगार्डों के लिए अनुमोदित दरों के तहत बिना तीव्रता आमंत्रित किए गए होमगार्ड स्वयंसेवकों को नियोजित करने का प्रावधान किया गया। तो दोस्तों ये रही बड़ी खबर होमगार्ड जवानों के लिए। ऐसी खबरों के लिए चैनल से जुड़ें, लाल कलर का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो देखना है तो वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।